प्रैक्टिकल लाइफ में, योगी जीवन की लाइफ में, तो जोड़ का अर्थ यह है, कोई भौतिक चीज का जोड़ तो नहीं है। योग अभौतिक है और अभौतिक में आत्मा अपने साथ जुड़ी रहे, अर्थात कदापि देह भान में ना आए, देह अभिमान में ना आए, देह अहंकार में ना आए, अपने मन बुद्धि संस्कार और संबंध सब मेरे एक मुष्ट जुड़े हुए हो, यानी मन कुछ कहे, बुद्धि कुछ कहे, कर्म कुछ कहे, और जब संबंध और व्यवहार में आए तब कुछ और रूप हो नहीं, अपने आप से जुड़ना, प्यारे बाबा से जुड़ना, और तीसरा परिवार से जुड़ना। जुड़े रहना, कई बार जब हम अपने क्षेत्र में प्रगति प्राप्त कर लेते हैं तो कहते हैं हमें क्या मतलब, सेंटर से क्या मतलब, हमारी तो अपनी क्लास बहुत अच्छी है। ये खतरे की घंटी है जो न तो परम धाम में हमें परिवार में बिठाएगी और न ही सारे कल्प में हम परिवार के साथ रहेंगे। संगम युग ही है जब हम परिवार का सुख पाते हैं। अभी एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, अलौकिकता और रूहानियत है, सत्युग में नहीं होगी। तो योग अर्थात परिवार से भी मेरा जोड़ होना चाहिए। और चौथा पहलू है जिसको मैंने कहा पढ़ाई, सेवा नहीं कहा, पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई हमारा खजाना है, पढ़ाई स्रोत है जो हमें शक्ति देता है। अगर पढ़ाई मिस हो जाए या उसमें थोड़ा पढ़ा थोड़ा अपना किया तो पढ़ाई से जो आत्मा को ताकत मिलनी चाहिए वो नहीं हो। ठीक है, तो योग प्रोसेस है, मात्र सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा लाइफ प्रोसेस है। दूसरा, योग अर्थात संबंध, योग अर्थात संबंध, योग अर्थात जोड़,
योग अर्थात संबंध। तो संबंध मेरे किसके साथ? सर्व संबंध बाबा के साथ है, इंसान के साथ सर्व संबंध नहीं है हमारे, मनुष्य आत्माओं के साथ एक ही संबंध है, भाई भाई का। लेकिन क्या मुझे प्यारे बाबा से सर्व संबंध निभाना आता है? इसको कहते हैं योग द्वारा होलिस्टिक पर्सनालिटी का निर्माण करना। होलिस्टिक पर्सनालिटी जिसमें मात पिता शिक्षक गुरु सखा स्वामी सब प्रकार के संबंधों का सुख है, अनुभव है। पिता रूप से मुझे कैसे बाबा के साथ चलना है, माँ के रूप से कैसे चलना है, सखा के रूप से कैसे चलना है, वो अलग विषय है पूरा, उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगी। लेकिन योग का अर्थ है संबंध। तो क्या मुझ आत्मा में वे सर्व संबंधों के सर्व रस सर्व सुख उनका अनुभव है? बाबा ने कहा था जिस संबंध का अनुभव नहीं होगा आपकी बुद्धि उस संबंध की ओर खींचेगी। मानो मुझे शिव बाबा से बेटे का अनुभव नहीं है कि वो मेरा बेटा है, तो अंत में लौकिक बेटा याद आएगा। अगर मुझे बाबा से सदगुरु का अनुभव नहीं है तो अंत में बुद्धि भटकेगी। इसलिए योग का अर्थ है संबंध, और संबंधों में सर्व संबंधों का सुख मुझ आत्मा में होना चाहिए। तीसरा, योग का अर्थ है अनुशासन। चेक करें, इसको योगी लाइफ में परिवर्तित करिए। क्या अनुशासन प्रिय हूं? अनुशासन पसंद आता है? इसमें भी गहराई है। एक है मुझे कहा जाता है तो मैं अनुशासन में आती हूं, और दूसरा है स्व अनुशासित रहे। मैं योगी जीवन वाली हूं ना, तो योगी आत्मा नेचुरल संस्कार अनुशासन के हैं, नेचुरल संस्कार। एक एग्जाम्पल देती हूं,
मानो आपका संबंध गीता पाठशाला का कोई अमुक केंद्र के साथ है। अब आपकी उस टीचर से थोड़ी सी खटपट हो गई, अनुशासन क्या कहता है और हमारे मन में संकल्प क्या आता है, ठीक है बहन जी ऐसे करती है, हमारी क्लास तो बहुत अच्छी है, हम उनके साथ संबंध रख लेंगे। अनुशासन हुआ नहीं, कहेंगे ना बाबा ने ईश्वरी विश्वविद्यालय के हिसाब से अनुशासन बनाया हुआ है। योगी को अनुशासन पालन करना कदापि भारी नहीं लगता। नोट करिएगा, अगर योगी है ना तो उसे कोई भी अनुशासन का पालन करना मुश्किल नहीं लगेगा। फिर ठीक है जैसे कहेंगे जो कहेंगे, अनुशासन। अब इसकी भी डिटेल है, उसमें मैं नहीं जाती हूं अभी। चौथी बात, योग टोटल को भी कहते हैं। बचपन में हम लोग प्लस और माइनस के मैथमेटिक्स में करते थे ना सवाल, तो उसमें जो ये वाला होता था प्लस वाला, उसको क्या कहते थे, दो और दो का योगफल क्या हुआ, टोटल। तो योग को जब हम जीवन में ट्रांसलेट करते हैं, योगी जीवन वाले बनते हैं, तो हमारा सर्वांगीण विकास ऑटोमेटिकली होता है। सर्वांगीण विकास, क्यों, योगेश्वर ने हमें जो लक्ष्य दिया है वो कौन सा है, सर्व गुण संपन्न। सर्व गुण, अष्ट गुण संपन्न नहीं कहा गया, बारह गुण संपन्न नहीं कहा गया, सर्व गुण संपन्न। एक गुण इतना हो दूसरा इतना हो ये नहीं कहा गया, हर गुण में संपन्न। फिर सोलह कला संपूर्ण, कलाएं भी सोलह हो और वो संपूर्ण भी हो। ठीक है, ये योगेश्वर ने लक्ष्य दिया है। तो कभी कभी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कोई क्लास ज्ञान में बहुत होशियार होती है लेकिन योग में कमजोर। बुरा नहीं मानिएगा, हम बहनें सारा भारत ट्रैवल करती हैं, तो क्लास में जब हम पूछते हैं आप किस विषय पर क्लास चाहते हो, तो मेजॉरिटी योग के ऊपर कहते हैं, ये सब्जेक्ट कमजोर है। योग हमारे टोटल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सारा शरीर अच्छा है, नाक अच्छा नहीं है, उसको कंप्लीट कहेंगे, कहेंगे
सारा शरीर अच्छा है, आंख कान एक एक है, उसको कंप्लीट कहेंगे? ऐसे योग द्वारा जो योग हम करते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, तो वो शक्तियां कोई एक स्थान पे जाके ज्यादा असर करें ऐसा नहीं होता, टोटल होता है।